24 पैसे की कीमत में नीले रैपर में चॉकलेट आती थी, जिसमें क्रीम, दूध, नारियल का टेस्ट था। नाम था मार्टिन। 90 के दशक का सबसे ज्यादा बाजार में बिकने वाला ब्रांड। हालांकि कम कीमत के चॉकलेट भी इस कंपनी की उपलब्ध थी। आज के समय में मझौला का पता लोग कुछ ऐसे ही बताते हैं, लेकिन वो भी जमाना था जब किसी बिहारवासी से पूछा जाता था, भाई मढौरा का नाम सुना है? तो छूटते ही जवाब आता है कि वही मढौरा ना, जहां मार्टिन चॉकलेट की फैक्ट्री है। मढौरा की चीनी मिल को बिहार की पहली चीनी मिल होने का गौरव हासिल मिला था। मढौरा की चर्चा अंग्रेजों ने अपनी पुस्तकों में भी की है। दरअसल मढौरा की चीनी मिल की खासियत यह थी कि वहां जो शक्कर बनती थी वह दूर से ही शीशे की तरह चमकती थी। मार्टिन की चॉकलेट का तो कोई जोर ही नहीं था। आपकी चर्चा आते ही आपके मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मढौरा चीनी मिल और मार्टिन मिल दोनों ही रसातल में चले गए हैं। अब सिर्फ उनकी यादें ही शेष बची है। जिस चीनी फैक्ट्री के नाम से मढौरा जाना जाता था, उसकी स्थापना 1904 में हुई थी। शक्कर उत्पादन में भारत में सबसे दूसरा स्थान था और वर्ष 1947 से 48 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ने इसे अपने अधीन ले लिया। लेकिन 90 के दशक आते आते प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण यह मिल बंद हो गया। लखनऊ की गंगोत्री इंटरप्राइजेस नामक कंपनी के हाथों इसे 1998 से 99 में बेचा गया, ताकि इसे नई जिंदगी मिल सके। बावजूद इसके मिल चालू नहीं हो सकी, बिहार राज्य वित्त निगम ने सन 2000 में इसे बीमारू घोषित करके अपने कब्जे में ले लिया। जुलाई 2005 में उद्योगपति जवाहर जायसवाल ने इसे खरीद लिया, जिन्होंने 2 साल में यानी 2007 तक इसे चालू करने का ऐलान भी किया था। लेकिन तब से लेकर अब तक नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। लेकिन लोकसभा विधानसभा को चुनाव आते हैं तो चुनावी भाषणों में औद्योगिकी इकाइयों को फिर से शुरू करने की बात होती है, पर चुनाव जीतने के बाद कोई देखने तक नहीं आता है। तो खैर, आज की एक खास स्टोरी यहीं तक थी। ऐसी खास स्टोरी के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव न्यूज़ के साथ। और आप हमारे रब्सी लाइव न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो उसे जल्दी सा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक अपडेट की वीडियो और हर एक ऐसी स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।